नमस्कार, एनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं की मौजूदगी देखने को मिली। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक चौबे की रिपोर्ट। प्रति वर्ष की बात, इस वर्ष भी नववर्ष महोत्सव समिति के बैनर तले भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवा मौजूद रहे। शोभा यात्रा का शुभारम्भ स्वामी हरियानंद जी महाराज द्वारा किया गया। शोभा यात्रा लक्ष्मीबाई मैदान इटावा रोड से शुरू होकर नगर भ्रमण करते हुए स्टेशन रोड होती हुई अमन इंटर कॉलेज के पास जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में मनमोहक करने वाली झांकियों के साथ सिख युवाओं के गुरु फतेह खालसा ने हैरतअंगेज कर्तव्य करते हुए शोभा यात्रा को मंत्रमुग्ध कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है, किस उपलक्ष्य में हो रहा है ये हमारा नववर्ष है। ये भारतीय नववर्ष आज से प्रारंभ हुआ था, और जिस तरह से हम लोग ब्रह्मवर्ष 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाते हैं, जो मनाते हैं उन सबका भ्रम है। हमारा नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ था, उपलक्ष्य में हम आज नववर्ष मना रहे हैं। ये शोभा यात्रा के माध्यम से जो हमारा समाज भ्रमित हो गया है, हमारा समाज जो हमारे नववर्ष को भूल गया है, उसको हम याद दिलाने के लिए शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा सर, एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? ये हमारा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हम लोग पाश्चात्य पद्धति को अपनाते जा रहे हैं, इसलिए अपने हिंदू भाइयों को जागरूक करने के लिए ये शोभा यात्रा का आयोजन हम लोग विगत वर्षों से करते आ रहे हैं। अपनी आने वाली पीढ़ियों को हमारे असली हिंदू नववर्ष के बारे में जानकारी मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे, और हमारी नई पीढ़ी अंग्रेजी नववर्ष छोड़कर हिंदू नववर्ष को अपनाए, इसलिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन। शोभा यात्रा में युवाओं का भारी हुजूम देखा जा रहा है, ये शोभा यात्रा कहाँ से चलकर कहाँ समापन होगा इसका? शोभा यात्रा में भारी हुजूम की जो आप बात कर रहे हैं वो हिंदुत्व की पहचान है, और अब युवा समझ रहा है कि हम कहाँ हैं और कहाँ थे, अब हम कहाँ जा रहे हैं। हमको हिंदू होने का गर्व होना चाहिए, इसलिए